केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने कहा कि कलबुर्गी जिले में सोलर पार्क बनाने के लिए मैंने हमेशा सहयोग किया, लेकिन राज्य सरकार को भी सहयोग कर आवश्यक प्रस्ताव भेजना चाहिए। कलबुर्गी जिले में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 500 मेगावाट का सोलर पार्क कलबुर्गी जिले के फिरोजाबाद नाड़ी सिन्नूर के किरंगी क्षेत्र में 1551 एकड़ 13 गुंटा भूमि पर बनाने की योजना थी, लेकिन इसी बीच पीएम सरकार ने मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 1000 एकड़ जमीन हथकरघा और कपड़ा विभाग को हस्तांतरित की थी। सरकार ने क्रेडल को शेष 551 एकड़ और 13 एकड़ जमीन पर 500 मेगावाट की सौर परियोजना बनाने का आदेश दिया है। सशर्त सोलर पार्क की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्रेडल द्वारा तैयार की गई थी और दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को अनुमोदन के लिए एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन एमएनआरई मंत्रालय द्वारा केपीटीसीएल सब स्टेशन पर 500 विस्तृत योजना रिपोर्ट नहीं होगी। एमवी क्षमता की निकासी करने की क्षमता की कमी के कारण अनुमोदित किया जाना चाहिए, इसलिए क्रेडल की ओर से 551 एकड़ 13 गुंटे भूमि पर सोलर पार्क के बजाय 100 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने स्पष्ट किया है कि मंजूरी मिलने के बाद क्रेडल से निविदा आमंत्रित की जाएगी। केईआरसी द्वारा कलबुर्गी के लोगों के आग्रह के अनुसार मैंने कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खड़गे और एक अन्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल को पत्र लिखकर निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यदि राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जाती है तो कलबुर्गी में सोलर पार्क के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।